दोस्तों आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं मीडियाटेक डायमेंसिटी 820 प्रोसेसर को मीडियाटेक हीलियो G90T प्रोसेसर के साथ में। मीडियाटेक के दो सबसे बढ़िया प्रोसेसर की अगर बात करें तो ये दोनों प्रोसेसर है भाई, डायमेंसिटी 820 और मीडियाटेक हीलियो G90T। G90T जो है वो गेमिंग के लिए बनाया गया प्रोसेसर था मीडियाटेक की तरफ से। रेडमी नोट 8 प्रो के अंदर हमको देखने को मिला, रियलमी 6 के अंदर हमको देखने को मिला, साथ ही में रेडमी 10X के अंदर हमको देखने को मिला डायमेंसिटी 820 प्रोसेसर। दोनों प्रोसेसर काफी तगड़े भाई, और इस वीडियो के अंदर करते हैं दोनों प्रोसेसर को कंपेयर और देखते हैं दोनों में से कौन सा प्रोसेसर है बेटर। फटाफट से कंपैरिजन को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन कंपैरिजन को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं और वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं अपन 150 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं लॉन्च डेट से। डायमेंसिटी 820 लॉन्च हुआ है 18 मई 2020 को। मीडियाटेक हीलियो G90T लॉन्च हुआ था 30 जुलाई 2019 को, यानी दोनों की लॉन्च डेट में तकरीबन एक साल का डिफरेंस है। डायमेंसिटी 820 एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर है। सीपीयू और सीपीयू क्लॉक स्पीड की अगर बात करें, दोनों प्रोसेसर के साथ में आपको डुअल क्लस्टर आर्किटेक्चर मिलता है। डायमेंसिटी 820 की बात करेंगे तो 4+4 की बिगलेडल अप्रोच मिलती है, जहां पर यहां पर आपको 4 कोर मिलते हैं परफॉर्मेंस वाले टास्क के लिए, जहां पर मिलता है आर्म कॉर्टेक्स A76 सीपीयू। क्लॉक स्पीड यहाँ पर मिलती है 2.6 गीगाहर्ट्ज़ की। 4 कोर मिलते हैं यहाँ पर आपको एफिशिएंसी वाले टास्क के लिए, जहां पर मिलता है आर्म कॉर्टेक्स A55 सीपीयू। क्लॉक स्पीड यहाँ पर मिलती है 2.0 गीगाहर्ट्ज़ की। मीडियाटेक हीलियो G90T के अंदर आपको 2 कोर मिलते हैं परफॉर्मेंस वाले टास्क के लिए, मिलते हैं यहाँ पर भी आपको आर्म कॉर्टेक्स A76 है, लेकिन क्लॉक स्पीड यहाँ पर आपको कम मिलती है 2.05 गीगाहर्ट्ज़ की। और 6 कोर यहाँ पर मिलते हैं आपको एफिशिएंसी वाले टास्क के लिए, जहां पर मिलता है आर्म कॉर्टेक्स A55 सीपीयू। क्लॉक स्पीड यहाँ पर मिलती है 2.0 गीगाहर्ट्ज़ की। तो भाई सीपीयू और सीपीयू क्लॉक स्पीड के मामले में डायमेंसिटी 820 बेटर प्रोसेसर है, क्योंकि यहां पर आपको A76 वाले 4 कोर मिलते हैं और साथ ही में 2.6 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड मिलती है। CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस की अगर बात करें, डायमेंसिटी 820 बना है 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर, मीडियाटेक हीलियो G90T बना है 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर। और ये चीज हमको पता है भाई कि मीडियाटेक हीलियो G90T के साथ में हीटिंग का थोड़ा सा इशू आपको देखने को मिलता है, और उसका रीजन है 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस। फैब्रिकेशन प्रोसेस जितनी कम रखी जाएगी, प्रोसेसर उतना बेटर परफॉर्म करेगा और उतना ही कम हीट होगा। यहां पर CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में डायमेंसिटी 820 बेटर प्रोसेसर है। CPU आर्किटेक्चर एंड कोर्स की बात करेंगे तो दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट के ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, यानी दोनों प्रोसेसर में आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए 8-8 कोर मिलते हैं। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यानी GPU की बात करें, डायमेंसिटी 820 के साथ में मिलता है आर्म माली G57 MC5 GPU, जो कि 7 नैनोमीटर पर बना हुआ GPU है, 5 कोर का GPU है और लगभग 900 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक किया गया है। मीडियाटेक हीलियो G90T के साथ में मिलता है आर्म माली G76 3EE MC4 GPU। ये वाला जो GPU है 4 कोर का GPU है, 7 नैनोमीटर पर बना हुआ GPU है और 800 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक किया गया है। लेकिन भाई दोनों की परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो आपको ठीक ठाक डिफरेंस दोनों के अंदर देखने को मिल जाएगा। डायमेंसिटी 820 से आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और भाई G90T के साथ में जो G76 मिलता है, इसकी अगर GPU स्कोर की बात करें तो लगभग 98 या 99 पॉइंट के आसपास इसके बीच में पॉइंट मिलते हैं इसको, लेकिन डायमेंसिटी 820 के G57 को लगभग मिलने वाले हैं 103 से 104 पॉइंट के आसपास। हालांकि डिक्लेयर तो नहीं हुए हैं, लेकिन 103 104 मिल जाएंगे। तो भाई दोनों के बीच में आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलेगा, और GPU के मामले में डायमेंसिटी 820 बेटर प्रोसेसर होगा। रैम सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो दोनों प्रोसेसर में डुअल चैनल LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलता है। दोनों ही प्रोसेसर में रैम फ्रीक्वेंसी भी आपको एक जैसी मिलती है 2133 मेगाहर्ट्ज की। जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है वो रैम साइज में मिलता है, जो कि इतना मैटर नहीं करता है। 820 के साथ में 16 GB की रैम मिल जाती है आपको, G90T के साथ में आपको 10 GB तक की रैम देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से रैम सपोर्ट के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। स्टोरेज सपोर्ट की बात करेंगे तो दोनों प्रोसेसर में आपको EMMC 5.1 और UFS 2.1 का स्टोरेज सपोर्ट तो मिल ही जाता है। डायमेंसिटी 820 में आपको UFS 3.0 का भी सपोर्ट मिलता है, जो कि आपको G90T के अंदर नहीं मिलता है। तो स्टोरेज सपोर्ट के मामले में डायमेंसिटी 820 बेटर है। बात करेंगे कैमरा सपोर्ट की। डायमेंसिटी 820 के साथ में 80 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा और 32+16 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा सेटअप आपको मिल सकते हैं। मीडियाटेक हीलियो G90T के साथ में 24+16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है 30 FPS पर, और 64 मेगापिक्सल का अगर कैमरा यूज किया जाता है तो 22.5 FPS मिलता है, और 48 मेगापिक्सल का अगर कैमरा यूज किया जाता है तो 30 FPS का यहां पर आपको कैमरा मिलता है। तो यहां पर कैमरा सपोर्ट के मामले में डायमेंसिटी 820 बेटर प्रोसेसर है।
वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की बात करेंगे तो दोनों प्रोसेसर के साथ में आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। डायमेंसिटी 820 के साथ में 2160 पिक्सल्स वाले 4K वीडियो 60 FPS पर, 1080 पिक्सल्स वाले फुल HD प्लस वीडियो 120 FPS पर और 720 पिक्सल्स वाले HD प्लस वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो 240 FPS पर। मीडियाटेक हेलियो G90T की अगर बात करेंगे तो 2160 पिक्सल्स वाले 4K वीडियो 30 FPS पर, 1080 पिक्सल्स वाले फुल HD प्लस वीडियो 120 FPS पर और 720 पिक्सल्स वाले HD प्लस वीडियो 240 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो। यानी वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन के मामले में भी डायमेंसिटी 820 हल्का सा बेटर है क्योंकि यहां पर आपको 4K 860 FPS मिलता है। डिस्प्ले सपोर्ट की बात करते हैं, फुल HD प्लस का डिस्प्ले सपोर्ट मिलता है आपको दोनों प्रोसेसर में, 2520x1080 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है दोनों प्रोसेसर में, 820 के साथ में आपको 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। मीडियाटेक हेलियो G90T के साथ में मेंशन तो नहीं किया गया है कि कितना रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन रियलमी 6 के अंदर हमने 90 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट तो यहाँ पर देखा है। तो भाई 90 हर्ट्ज तो यहाँ पर मिलता ही है आपको G90T में, और केवल रिफ्रेश रेट को अगर देखा जाए तो डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में 820 बेटर है। नेटवर्क मॉडेम की अगर बात करेंगे तो भाई डायमेंसिटी 820 में 5G मॉडेम मिलता है, डाउनलोड की स्पीड मिलती है 4.7 GBPS की, अपलोड स्पीड मिलती है 2.5 GBPS की, और ये जो मॉडेम है डुअल मोड मॉडेम है, यानी कि दोनों सिम में 5G चल सकता है। मीडियाटेक हेलियो G90T के अंदर आपको 5G का सपोर्ट नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड 4G मॉडेम देखने को मिलता है जहाँ पर डाउनलिंक के लिए कैट 12 मॉडेम मिलता है और डाउनलोड स्पीड मिलती है 600 MBPS की, अपलिंक के लिए कैट 13 मॉडेम मिलता है और अपलोड स्पीड मिलती है 150 MBPS की। तो भाई नेटवर्क मॉडेम के मामले में कंपेयर नहीं करना चाहिए दोनों प्रोसेसर को, लेकिन फिर भी अगर बात करें भाई चूंकि डायमेंसिटी 820 में 5G का सपोर्ट मिलता है इसलिए नेटवर्क मॉडेम के मामले में भी डायमेंसिटी 820 बेटर प्रोसेसर है। एंटीडोस स्कोर्स की अगर बात करेंगे, मीडियाटेक हेलियो G90T को मिले हैं 290,239 पॉइंट, डायमेंसिटी 820 को मिले हैं 415,000 पॉइंट, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। एंटीडो के हिसाब से डायमेंसिटी 820 बेटर प्रोसेसर है। लास्ट में बात करें गीगबेंच स्कोर की, डायमेंसिटी 820 को सिंगल कोर में मिले हैं 659 पॉइंट, मीडियाटेक हेलियो G90T को सिंगल कोर में मिले हैं 480 पॉइंट, मल्टी कोर की बात करेंगे तो 1949 पॉइंट मिले हैं मल्टी कोर में 820 को, G90T को मल्टी कोर में मिले हैं 1577 पॉइंट। तो भाई गीगबेंच के हिसाब से भी डायमेंसिटी 820 कहीं ज्यादा बेटर प्रोसेसर है। तो भाई ये था कंपैरिजन मीडियाटेक डायमेंसिटी 820 प्रोसेसर का मीडियाटेक हेलियो G90T प्रोसेसर के साथ में। सीपीयू की बात करें तो A76 कोर 4 मिलते हैं आपको 820 के अंदर, वो भी क्लॉक स्पीड थोड़ी ज्यादा मिलती है 2.6 गीगाहर्ट्ज़ की, इसलिए सीपीयू के मामले में 820 बेटर है। जीपीयू के मामले में भी 820 थोड़ा बेटर है क्योंकि G57 एक जनरेशन आगे का जीपीयू है, बेटर परफॉर्मेंस देगा, यानी जीपीयू के मामले में भी 820 बेटर है। साथ ही साथ बात कर लें यहां पर फैब्रिकेशन पेयर प्रोसेस की, तो वहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस है, 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर आता है 820 प्रोसेसर, जो कि अगेन बेटर प्रोसेसर है। और साथ ही में नेटवर्क मॉडेम की बात करेंगे तो यहां पर कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई 5G का सपोर्ट आपको मिलता है डायमेंसिटी 820 के अंदर। ओवरऑल अगर इस बैटल का अल्टीमेट विनर की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से इस बैटल का अल्टीमेट विनर निकल के आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 820 प्रोसेसर। आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना भाई कि आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा प्रोसेसर बेटर है, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।